द टाइगर एंड द डियर, श्री अरबिंदो ने ये पोएम लिखी है। इन्होंने इसमें एक ना मतलब शार्प सटायर क्लियर किया है इस पोएम के थ्रू कि किस तरीके से इंडिया पर ब्रिटिश ने रूल किया था और अब ब्रिटिश जो है वो वैनिश्ड हो गया है, यानी कि इंडिया पे उनका कोई भी रोल नहीं है। जो ये पोएम है इसके अंदर उन्होंने किस तरीके से कैसे इसको डिस्क्राइब किया है थ्रू द एनिमल्स, थ्रू द नेचर ब्रिटिश रूल को डिस्क्राइब किया है, तो चलिए इसको आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया है किस तरीके से जो हमारा फॉरेस्ट का किंग होता है, यानी कि जो हमारा शेर होता है, टाइगर जो होता है यानी कि बाघ जो वो होता है, कितना ब्रिलियंट होता है एकदम, मतलब वो किस तरीके से शिकार करता है, एकदम माइटी क्लीमिंग माइटी चेस्ट होते हैं उसके, जो पॉज होते हैं यानी कि जो पैर के जो तलवे होते हैं एकदम सॉफ्ट होते हैं, साउंडलेस साउंड बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि एक डियर है जो कि आराम से शांति से शांत वातावरण में पानी पी रहा है, तालाब से पानी पी रहा है, और किस तरीके से शांति से आकर एक जो टाइगर है हिरन पे अटैक कर देता है। वो इस तरीके से शांति से आता है कि हवा की भी आवाज़ उसे डरती है, ठीक है, और वो हिरन का शिकार कर लेता है। वो ब्यूटी हिरन जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, किस तरीके से इंडिया पर उसका मतलब हिरन पे और शिकार कर लेता। आगे वो जो हमारे पोएट है वो बता रहे हैं, ठीक है, उन्होंने शिकार तो कर लिया, देखिए वन डे द टाइगर विल एक्सटेंड एंड द डियर विल सर्वाइव, यानी कि क्या होगा कि ये वन डे जो ये टाइगर है ये भी ख़त्म हो जाएगा जिस तरीके से ब्रिटिश ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। उन्होंने एक इसमें एग्जाम्पल भी दिया जो मैम मौत होते हैं, यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती है जो अब नहीं बची है, वो भी डिस्टिंक्ट हो चुकी है, यानी कि वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। इसी तरीके से टाइगर्स, और जो टाइगर को नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करते हुए वो बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब डियर सर्वाइव करेगा और टाइगर नहीं रहेगा। तो इसके थ्रू यही बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि द किलिंग ऑफ डियर बाय द टाइगर सजेस्ट द डेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थी वैल्यूज ऑफ द लाइफ बाय द क्रूशियल मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब मॉडर्निटी के थ्रू जो हमारी वैल्यूज़ है उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये पोएम उसी से पूरी रिलेटेड है।